सेवन हंड्रेड में ना इसको कोई पागल बहुत ही ज्यादा प्यारा तो था तो ही कुछ कार्टून करेक्टर वगैरह कुछ बना होता है ना मुझे हाँ तो तो पागल बन जाते हो तो काफी फाइन ग्लैमर हॉलिक और मैं हूँ संगीता सो गायस वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल से आपको पता चल गया होगा सरोजिनी नगर हॉल एंड मेरी स्माइल से आपको देखकर पता चल गया होगा आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल दिस सरोजी नगर हॉल एंड सबसे पहले गाइज मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ बिकॉज आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया है मेरी प्रीवियस वीडियोज को एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है एज वेल एज मेरी वीडियोज को शेयर किया है सो थैंक यू सो वेरी मच दिल से थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए एंड गाइज ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिएगा एंड इफ यू आर वॉचिंग मई फर्स्ट टाइम तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑल्सो बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिए बिकॉज मैं जब जब वीडियोज अपलोड करूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा टू वॉच माई वीडियो सबसे पहले सो so, गाइज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सरोजी नगर हॉल जो भी चीजें मैंने ली हैं ऑल्सो इसके पहले मैंने सरोजिनी ब्लॉग नगर व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है तो वो है पार्ट वन तो प्लीज उस वीडियो को भी देख लेना एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दो गाइस सबसे पहले अगर बात करें कि मैंने सरोजी नगर से क्या क्या लिया मैंने सीक्वेंस वाइज नहीं रखा है कुछ भी लाइक like, जो मेरे हाथ में आता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस कुर्ती की ही मैं बात कर लेती हूँ एंड ये कॉटन मटेरियल में है और इसके ऊपर ऐसे चिकनकारी काइंड ऑफ जो वर्क नहीं होता उस तरीके का काम है इस तरीके से कढ़ाई हुई है इसपे एंड कलर काफी ज्यादा प्यारा था एंड अगर मैं बात करूँ कि मैंने ये लिया कहाँ से था तो आप अगर गेट नंबर फाइव से एंट्री करते हैं तो वो जो राइट साइड पर सीडियो से चढ़कर एक अलग सा मार्केट ने बना हुआ लाइक तो वही वाले एरिया में कॉर्नर साइड पर नंबर शॉप के सामने एक स्टॉल लगता है भैया का तो आ, उनसे मैंने ये कुर्ती ली थी एंड ये कुर्ती का प्राइस था थ्री फिफ्टी रुपीज अगर आप दो लेते हो सिक्स हंड्रेड में आप ले सकते हो तो मतलब हंड्रेड रुपीज का आपको इसमें सेविंग्स हो रही थी तो मैंने यहाँ से चार कुर्तीज ली थी चार में से मैंने एक कुर्ती और ली मैं आपको दिखाती हूँ एंड एक रेड कलर की कुर्ती थी सेम ही फैब्रिक सेम ही डिजाइन सब कुछ सेम वो मेरी सिस्टर ने लिया था एंड एक और एग्जैक्ट सेम कुर्ती थी डिजाइन दूसरा वाला था मैं आपको वो कुर्ती दिखाती हूँ तो ये वाला ये वाला डिजाइन था उस आ, कुर्ती में तो वो पिंक कलर में ही थी एंड वो मेरी सिस्टर इन लॉ ने ली थी तो ये भी काफी ज्यादा प्यारी कुर्ती है इसका भी ट्राई ऑन आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा तो उसके बाद मैं आप पर्सेज की बात कर लेती हूँ तो गाइज ये देखो ये ब्लैक कलर है एक तो इसलिए अट्रैक्ट करता है सेकंड इसके ऊपर डिटेलिंग गोल्डन कलर की है तो ये और ज्यादा माशा दिखने वाला पीस है एंड इसके अंदर ये स्पेस भी अच्छा खासा है लाइक अगर आपको बस फोन रखना है और फोन एंड मेकअप ही इसमें आएगा और आपको तो कुछ लंच बॉक्स वगैरह तो नहीं आएगा तो बस ये अपना यही है कि हम लोग कहीं पर जैसे जा रहे हैं लंच डिनर या फिर गेट टूगेदर के लिए बर्थे के लिए तो आप इसको कैरी कर सकते हो काफी ज्यादा स्टॉडी सा बैग है एंड इसके साथ ये जो इसकी स्लिंग है ये जो स्ट्रैप है ये चेन में है मतलब ये मटेरियल काफी ज्यादा हैवी है कार्ड्स वगैरह रखने के लिए ये वाला कंपार्टमेंट है एंड साइड में आप अपने जो भी चेंज वगैरह है वो रख सकते हो तो ये शॉप नंबर 112 के सामने जो स्टॉल लगा हुआ था वहां पर से मैंने लिया था एंड इट कॉस्ट मे थ्री फिफ्टी रूपीज तो ये मैंने लिया था वन ट्वेंटी थ्री शॉप से एंड इसमें मैंने सेम डिजाइन में एक ब्लैक कलर का भी लिया था सेवन हंड्रेड में मैंने दो बैग लिए थे ये आप इसको क्रॉस में भी ले सकते हो क्रॉस में भी टांग सकते हो एंड ये छोटा सा इसमें स्ट्रेप भी दिया हुआ है जस्ट मिनट तो आप इसको अगर इस तरीके से मतलब लेना चाहते हो तो आप ऐसे भी ले सकते हो मैंने ट्राई ऑन में दिखाया हुआ है लाइक किस तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ फुटवेयर की तो फुटवेयर में मैंने एक ही शॉप से एक ही स्टॉल से मैंने थ्री पेयर्स लिए थे एंड ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है टू हंड्रेड रुपीज में काफी सारे वहां पे डिजाइन थे तो मैंने कलर मेरे पास ब्लैक कलर नहीं था फ्लैट्स में तो मैंने ब्लैक कलर पिक किया And इसके अलावा मैंने यहाँ पर दूसरा जो लिया था वो था वो ये And ये मुझे इसकी वजह से अच्छा लगा था बेसिकली ये मुझे पसंद नहीं आया था मतलब मैंने इसको पिक नहीं किया था मैंने वहां से आगे जब मैं निकल गई थी उसके बाद मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि वो वाला ज़्यादा प्यारा था फिर उसके बाद मेरी सिस्टर्स मेरे साथ वापस आई एंड मैंने जो दूसरा वाला पेयर लिया था ना मतलब दूसरा वाला जो मैंने फुटवेयर लिया था उसको मैंने एक्सचेंज कराकर वापस से ये लिया एंड सीरियसली ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड मेरी मदर इन लॉ को भी ये बहुत पसंद आया डिजाइन एंड कलर उनको काफ़ी अच्छा लगा था एंड उनको ना कंफर्टेबल चीज बहुत पसंद आती है तो उनको ये पसंद आ गया तो मतलब ये चीज़ अच्छी है सो या दिस इज सेकेंड पेयर एंड थर्ड मैंने लिया था ऐसी जो रबड़ मतलब रबड़ टाइप जो होते हैं घर में फुटवेयर जो डालते हैं हम लोग तो ये थोड़ा सा डर्टी है थोड़ा नहीं काफी डर्टी है क्यूट लगा था मुझे इसलिए मैंने ले लिया था गेट नंबर थ्री से जब आप एंट्री करोगे एंट्री के बाद जो राइट साइड में कुछ खाने पीने के लिए बना हुआ है ना उससे जस्ट टू स्टॉल्स बाद इनका स्टॉल था अब बात ही लेते हैं ज्वेलरी की तो ज्वेलरी आइटम में मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ सबसे क्यूट सबसे पारा बाबू तो ये है नेक पीस ऑक्सीडाइज ज्वेलरी और ये ना गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी स्टॉल से ना लो वो जो एक बंजारा बंजारन टाइप से मतलब जो लेडीज होती है ना उनके पास इसकी कलेक्शन काफ़ी होती है काफ़ी अच्छी खासी कलेक्शन होती है एंड उनके पास ये ना 150 का वो बोलते हैं बट इजीली आप इसको हंड्रेड रुपीज़ में ले सकते हो तो मैंने हंड्रेड रुपीज़ में दो लिए थे एंड ये मुझे दोनों ही बहुत प्यारे लगे थे इसका ट्राइन भी मैं साइड में अटैच कर दूँगी आप क्लिप देख लेना आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये मुझे ज़्यादा प्यारा लगा था एज़ कंपेयर टू वन एंड इसमें जो ये चीज़ है ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी तो बाकी मुझे शायद लगता है कुछ टाइम बाद इसकी पॉलिश ना निकल जाए क्योंकि ये प्लास्टिक मटेरियल है गाइज ये कुछ भी ऐसा मेटल का नहीं है ये प्लास्टिक मटेरियल है तो ये तो एज इट इज रहने वाला है आई डोंट थिंक कि ये एज इट इज रहने वाला है आफ्टर सम टाइम बट ठीक है हंड्रेड रुपीज में आपने अगर इसको तीन चार पांच छह बार भी पहन लिया तो वसूल हो जाएंगे आपके पैसे हंड्रेड रुपीज ठीक है अब हम आते हैं मास्क चेन पर तो भाई मास्क चेन ना वैसे तो सच बताऊं तो मास्क चेन का इतना कोई मतलब जरूरी नहीं है कि मास्क चेन आप लगाओ बट ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और इनमें डिज़ाइन भी काफ़ी हैं तो इस वजह से ना ये मुझे ये देखना सर क्या हो गया इस वजह से ना मेरा मन कर गया कि मैं ले लेती हूँ क्योंकि मैंने ना काफ़ी सेलिब्रिटीज को एंड गोपाली गोपाली एंड जानवी उनको लगाते हुए देखा था तो इस वजह से मेरा भी मन कर गया अगर मुझे मतलब ऐसा मैंने कुछ लिस्ट में नहीं लिखा था इसको बट ठीक है मुझे दिख गया तो मैं ले लिया था एंड ये था एटी रुपीज़ का इसमें ऐसे पॉल्स लगे हुए हैं बड़े बड़े एंड ये छोटे छोटे पॉल्स लगे हुए हैं इसमें तो ये एटी रुपीज का था एंड मैंने ये दो पीस लिए थे एक एटी रुपीज का था पीस बट मैंने दो लिए थे तो वन फिफ्टी रुपीज मैंने पे किया था तो मतलब ठीक है दस रुपये का हमने सेविंग्स कर ली थी एंड सेकेंड चेन मैंने ली थी ये वाली और ये फिफ्टी रुपीज की थी बस तो इसको तो ये काफ़ी ज्यादा लाइट वेटेड है ना तो भी जाना है तो मैं इसको लगा लेती हूँ मुझे अच्छा लगता है मतलब कंफर्टेबल लगता है जब से मैं लाइंग हूँ ना इसको मैं लगा के घूमती रहती हूँ बार बार तो ये बहुत प्यारी है मैंने ये लिए थे गेट नंबर थ्री से एंट्री करते ही सामने भैया बैठते हैं ये फिफ्टी रुपीज में थे और भी काफी सारे डिजाइन है वहाँ पर। तो ये फिफ्टी फिफ्टी रुपीज में थे तो मैंने ये एक वहां से लिया था बाकी मेरी सिस्टर्स ने भी लिए थे तो हम लोगों ने वहां से टोटल थ्री पेयर्स लिए थे मतलब वन फिफ्टी रुपीज में तो फिफ्टी फिफ्टी वाले में भी अगर आप देखोगे ना डिजाइन काफी ज्यादा एलिगेंट थे तो ये वाले जो लाइट वेटेड वाले जो इयर का जो ट्रेंड चल रहा है ना अभी ये वाले ये वाले आपको एंट्री करते ही साइड में भैया बैठते हैं एंट्री करते ही मतलब जस्ट एंट्री की आपने गेट नंबर थ्री से और साइड में भैया बैठे हुए हैं और उन्होंने एक छोटा सा ऐसे बकेट सा लिया हुआ था बास्केट सा तो उसके अंदर उन्होंने रखे हुए थे ये ऐसे डाला हुआ था मतलब लाइक सब्जी की तरह तो ये फिफ्टी फिफ्टी रुपीज में थे सेकंड ये है ये भी ज़्यादा क्यूट है ये भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं तो ये मैं वेस्टर्न के साथ पेयर कर सकती हूँ इसका भी ट्राई ऑन में साइड में दिखा देती हूँ आपको और इसको मैं एथनिक एंड वेस्टर्न आई थिंक मैं दोनों के साथ ही इसको पेयर कर सकती हूँ क्योंकि ये प्यारा ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा पीस है और ये ना दिखने में हैवी लगता है बट ये पहनने में इतना ज़्यादा लाइट वेटेड है ये जो बुकरम टाइप से जो मटेरियल होता है ये वो है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिजाइन एंड प्राइस भी अच्छा है तो सरोजी नगर का यार यही फायदा है कि उसमें ना आपको ट्रेंडी कलेक्शन मिल जाता है वहां पर सेल लगी हुई थी ये पार्टी वेयर फुटवेयर की और गाइज ये काफी ज्यादा प्यारे लगे थे मुझे बेसिकली मैं वहां से निकल ही रही थी मतलब हम लोगों को कुर्ती वगैरह ले ली थी तो हम आगे जा रहे थे तो एकदम से अचानक से मुझे ये दिखा और दिल आ गया ठीक है ये भी ले लिया हमने और ये कितने का होगा आप गेस करो गेस करके कमेंट कौमें, में लिखो वैसे तो मैं बता ही देती हूँ अभी पर चीटिंग मत करना गेस करके कमेंट में लिखो कि कितने का होगा ये एंड मैंने अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ से पूछा कि कितने का होगा तो पापा ने कहा 400 का मम्मी ने कहा 300 से 400 के बीच में तो ये प्राइस उन्होंने लगाया था एंड अभी आप फटाफट से अपना प्राइस लिख दो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ये कितने का होगा एंड अब मैं बता देती हूं ये था ₹225 टू टू का एंड uh, अगर आप एक लेते हो टू फिफ्टी रुपीज का वो भी ज्यादा नहीं है बट अगर आप तीन पीस लेते हो तीन फुटवेयर के आप अगर पैर लेते हो तो आपको सेवन हंड्रेड मतलब ईच टू ट्वेंटी फाइव रुपीज में पड़ गया था तो एक मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था एक अपनी मदर के लिए और एक मेरी सिस्टर ने लिया था अपने लिए एंड दिस इज फॉर मी ये मैंने खुद के लिए लिया था बट मेरी मदर इन लॉ और मेरा पैर, पैर का जो साइज है वो सेम है तो हम दोनों ही इसको पहन सकते हैं अगर मम्मी को पहनना होगा मम्मी पहन लेंगे तो ये बहुत प्यारा पीस है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था नंबर शॉप के सामने वाले स्टॉल पर एक भैया का स्टॉल लगा हुआ था एंड वहां पर टू हंड्रेड में टी शर्ट थी काफी ज्यादा एलिगेंट काफी ज्यादा ट्रेंडी डिजाइन थे तो मैंने वहां से ये तीन टी शर्ट ली थी एंड आदित्य को तीनों ही पसंद आई है आदित्य को तीनों ही बहुत पसंद आई थी एंड ये मेरी सिस्टर की पसंद थी मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर ने कहा कि ये ले ले आदित्य कपूर काफी ज्यादा प्यारी लगेगी मेरे हस्बैंड का नाम आदित्य है तो एंड आप ट्राई ऑन में देख रहे होगे कि कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है इनके ऊपर तो वैसे तो इनके ऊपर सभी कुछ रचता है ठीक है तू तू तो मैंने ये एक डिज़ाइन लिया था एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी थी मुझे क्लोथ मतलब फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर चीज़ मैंने जो ली है वो बहुत अच्छी है मैंने वो चीज़ ही इसलिए ली है क्योंकि वो अच्छी है क्योंकि ये नहीं है कि मैं आपको अच्छा मतलब बिल्कुल अच्छा अच्छा रिव्यू दिए जा रही हूँ मैं किसी चीज़ के लिए गलत बोल ही नहीं रही हूँ बिकॉज मैंने गलत चीज़ ली ही नहीं है मैंने क्योंकि अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग करने का डिसाइड किया था और मेरी सिस्टर्स मैं अगर कुछ गलत ले रही थी तो वो मुझे बता रहे थे ये नहीं लेना वो नहीं लेना तो मैंने ये जब लिया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ले ले फैब्रिक अच्छा है तो इस वजह से मैंने इसको परचेज किया था एंड ट्राई ऑन में आप देख सकते हो हाउ हैंड्स अफ माई हजबेंड लुकिंग इज तो ये फर्स्ट टी शर्ट एंड सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ so, ये भी मैंने वहीं से ली थी उन्हीं भैया की शॉप से और ये आई थिंक हॉजरी मटेरियल है मतलब टी शर्ट मतलब इसी वाले फैब्रिक में आती है तो ये वही वाला मटेरियल है मुझे फैब्रिक का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है बट ठीक है दीदी थी वहाँ पर तो दीदी ने देख के बता दिया था तो सब कुछ उन्होंने देख लिया मेरे को तो बस डिज़ाइन देखने से मतलब होता है मैं डिजाइन देख लिया पसंद आ गया फैब्रिक उनको पसंद आ गया तो ठीक है गुड टू गो तो ये भी काफी ज्यादा प्यारा पीस है एंड ड्राइवर में आप देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा आ, इसका फिट है तो ये है थर्ड वन एंड ये भी बहुत ज्यादा प्यारी है एंड ये सारी ही टू हंड्रेड में है मतलब टू टू हंड्रेड ईच तो ये भी काफी ज्यादा प्यारा पीस लगा था एंड मस्टर्ड कलर का ना काफी टाइम से आदित्य मुझे कह रहे थे उनको शर्ट लेनी है या टी शर्ट कुछ भी मतलब तो वो बस दिमाग में मेरे आ गया था तो इसलिए मैंने मतलब दिख गया था इसलिए दिमाग में आ गया था वर्तना मैं कुछ और ही डिजाइन कुछ और ही कलर्स वहां से उठा लेती उठा रही थी तो ये वाला कलर भी बहुत प्यारा है एंड ट्राई ऑन में आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है इनके ऊपर ठीक है तो एक मैंने टी शर्ट वहां से और ली थी एंड वो मैंने जितने के लिए नहीं ली थी वो मैंने अपने लिए ली थी वाइज मैंने ना अपने यहाँ के दुकान लगाई हुई है तो सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं तो यार इसका ट्राई ऑन भी मैं साइड में अटैच कर दूंगी साइड में क्लिप लगा दूंगी तो आप देख लेना अब ये आप गैस करो मैंने क्यों लिया होगा लिया। क्योंकि ये क्यूट है ऐसा कुछ कार्टून करेक्टर वगैरह कुछ बना होता है ना मुझे बहुत पसंद आता है मैं मूवीज वगैरह में भी मैं एनिमेशन मूवी पसंद करती हूँ और कपड़े हो या फिर बेड शीट्स हो हर एक चीज में ना मुझे कार्टून करेक्टर बड़े अच्छे लगते हैं बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं और मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है तो इस वजह से मैंने ये देखते ही ले लिया था एंड ये काफी ज्यादा क्यूट है काफी प्यारा सा है और टू हंड्रेड में ये काफी अच्छा है उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट आइटम की तो नेक्स्ट मैंने लिया था यहां से नाइट सूट और ये लिया था मैंने शॉप नंबर से वहां से मैंने एक चीज और ली थी मैं आपको दिखाती हूँ तो नाइट सूट मैंने लिया था वहां से थ्री फिफ्टी रुपीज का एंड मैंने वहां से दो लिए थे मतलब सेवन हंड्रेड के अगेन एक सिस्टर एंड लॉ ने लिया था एक मैंने लिया था तो ये है नाइट सूट का टी शर्ट एंड ये है बॉटम सेम प्रिंट है दोनों पर और ये हॉजरी मटेरियल है और ये कपड़ा इतना ज़्यादा मुलायम इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको पहनने के बाद अच्छा लग रहा था मुझे भी बाकी दुनने के बाद पता लगेगा कि ये कितना ज़्यादा अच्छा रहता है एज इट इज़ रहता है या नहीं बट ठीक है थ्री फिफ्टी रुपीज़ में आपको पूरा सेट मिल रहा है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट एंड ये गेट नंबर फाइव से एंट्री करते ही आपको शॉप नंबर सिक्सटी मिल जाएगी तो मैंने वहीं से लिया था एंड उसके सामने से टी शर्ट मतलब गेट नंबर फाइव से के बाद सिक्सटी नंबर शॉप के आगे से मैंने कुर्ती और टी शर्ट ली थी और सिक्सटी नंबर शॉप से मैंने ये और एक चीज और ली थी वो दिखाती हूँ आपको ये शूज मैंने वहां से लिए थे शॉप नंबर सिक्सटी से एंड ये भी थ्री फिफ्टी रुपीज में आप किसी भी शॉप से ले लो किसी भी स्टॉल से ले लो आप चाहे शॉप से लो चाहे स्टॉल से लो सब जगह ये थ्री फिफ्टी के ही थे यहाँ पर आपकी बागियां उसकी नहीं चलने वाली है आप कितना भी उनसे रेट लगवा लो वो नहीं लगाएंगे ये कंफर्टेबल भी है इसका सोल भी काफी अच्छा है एंड ऐसा नहीं है कि आपके पैरों में पेन होने वाला है क्योंकि ये साइड में जो कुशन वाला मटेरियल लगा होता है कुशनिंग की हुई है और इससे थोड़ा सा हाइट भी आपकी इंक्रीज हो जाती है लाइक पहनने के बाद आप एक डेढ़ इंच थोड़े से लंबे लगते हो इस वजह से मैंने लिया था एंड एंगाइज इसको लेने का मेरा काफी टाइम से मन था तो मैंने ठीक है इसको देखते ही ले लिया था एंड इसमें मैं फोर्टी साइज लाई हूँ बट मुझे ये थोड़ा सा आ, लूज लूज लग रहा था बट उसके बाद जब मैंने सॉक्स डाल के इसको पहना पहनाना तो ये ठीक आया था मुझे तो आप ट्राई ऑन में देख सकते हो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है काफी क्यूट है ये शूज एंड इसके अलावा मैंने एक पेयर और लिया था शूज का एंड ये कलर काफी क्यूट है ये कलर खुद से ही मतलब ये कलर खुद में ही इतना ज्यादा प्यारा सा है ना कि इसको एडमायर करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये खुद इतना प्यारा है एंड इसके ऊपर ये जो डिटेलिंग है ना छोटी सी ये जो स्ट्रैप आ रखी है यहाँ से शाइनिंग शाइनिंग एंड डिफरेंट कलर्स है, देखो कितना प्यारा सा दिख रहा है ना ये तो मैंने ये पेस्टल कलर एक ले लिया था ये वाला जो टॉप था वो था सेवन हंड्रेड रुपीज़ मतलब सेवन हंड्रेड में ना इसको कोई पागल ही लेगा मतलब ठीक है चीज़ प्यारी है बट इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं है कि आप कुछ भी मतलब मांग लोगे और आपको हम लोग वो दे देंगे मतलब वैसे आपको नहीं बोल रही हूँ शॉप वालों की बात कर रही हूँ तो जब मैंने एंट्री किया ना शॉप में तो भैया कहते हैं मैंने कहा भैया कितने का है क्योंकि काफ़ी सारे आइटम्स थे वहां पे बट पता नहीं क्यों मेरा ध्यान इस पे गया अच्छा लगा सोबर सा था तो मैंने भैया से पूछा भैया कितने का है उन्होंने कहा सेवन हंड्रेड मैंने कहा अच्छा मैंने छोड़ दिया मैंने कहा क्योंकि चीज़ उतनी की लगी नहीं रही है बट इसके लिए मैं बहस भी क्या करूँ ठीक है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था मैं ऐसे ही देखने लगी तो उसके बाद मैंने अगेन भैया को बोला भैया कितना कितने का दे दोगे तो कहते हैं फाइव हंड्रेड लग जाएगा लास्ट मैं निकलते निकलते मैंने बोला कि भैया अगर आपको वन फिफ्टी में देना है तो दो वरना आप रख लो उसको भैया ने मुझे वन फिफ्टी में ऐसे निकाल के दे दिया आप क्लिप फर्स्ट वाली वीडियो में देखना आप भैया ने मुझे ऐसे निकाल के दे दिया कि वो वेट करे थे इस टॉप के बिकने का वन फिफ्टी में मुझे ठीक लगा बट पहनने के बाद मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा था मैंने इसको इन करके पहना तब तो ये ज़्यादा प्यारा सा लग रहा था बट वैसे मुझे ये थोड़ा सा थोड़ा नहीं काफ़ी लूज है क्योंकि इसकी जो ये स्लीव्स है ना ये भी काफ़ी बैगी बैगी आ रही थी मुझे तो ठीक है वन फिफ्टी में नॉट बैड ये मैंने शर्ट ली थी फैब्रिक माशाल्लाह फैब्रिक इसका बहुत प्यारा है ये बटन आप देखो ये जो चिट बटन टिच बटन होते हैं ना टिच बटन होता है चिट बटन होता है वही जो भी होता है तो वही बटन है इसमें आप देख लो आपको पता चल जाएगा चिट बटन है ये और इसके साइड में टू पॉकेट्स है स्लीव्स इसकी फुल है फिटिंग इसकी बहुत प्यारी है ड्राइवर में आप देख सकते हो कलर भी इतना प्यारा है एंड गाइज इसकी भी अगेन मैं शॉप नंबर को नहीं कंसिडर uh, कर पाई वीडियो में बिकॉज हम लोग ना अपनी शॉपिंग ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे बट एक होता है ना निकलते निकलते आपको कुछ ऐसा दिख जाए कि आपको लगता है आप ले सकते हो मतलब आपको चाहिए ठीक है कि प्राइस भी कम है ले लो तो वो वाला सीन हुआ था मेरे साथ तो ये हंड्रेड रुपीज़ की है तो मैंने ये ले ली थी एंड उस टाइम तक मैं अपना फ़ोन अपने बैग में रख चुकी थी बिकॉज ऑलरेडी हमारे हाथ में इतना तो सारा सामान आ चुका था कि हम लोग अब और कुछ पकड़ ही नहीं सकते थे और वैसे भी हम लोगों को भूख भी लगी थी तो हमने सारा चीज़ें ना अपने बैग में डाल दी थी और उसके बाद सिर्फ हमारे हाथ में वॉलेट ही था तो दीदी ने फिर बोला कि ये वाली टी शर्ट अच्छी ये वाली शर्ट अच्छी है तो ये ले ले तो मैंने ये ले ली थी दीदी ने दिलाई थी मुझे तो ये हंड्रेड रुपीज़ की शर्ट है है काफी अच्छी लगी मुझे ठीक है हंड्रेड रुपीज में बहुत ज्यादा अच्छी है बहुत 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 अच्छी है अब ये आ, बात कर रही थी मैं इस बेल्ट की तो मैंने ये बेल्ट जहां से ली थी उस बेल्ट की जो शॉप थी वो थी शॉप नहीं थी वो स्टॉल था तो गाइज वो था अगेन वही गेट नंबर जब आप एंट्री करोगे ना आपको पांच छह स्टॉल आपको क्रॉस करने के बाद एक पूरा ही एरिया आ जाएगा जो बेल्ट्स का ही था मतलब वो भैया के पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था बेल्ट्स का एंड गाइस ये था थ्री हंड्रेड रुपीज़ में जिन्होंने मुझे कोट किया था और मैंने सीधा ही इसका हाफ़ रेट बोल दिया था क्योंकि बागिंग करना तो हमारा हक है राइट <laughs> right? सीधा मैंने इसका हाफ़ प्राइस बोला था तो मैंने इसको वन फिफ्टी रुपीज़ में ले लिया था इसका भी ट्राई ऑन आप देख सकते हो एंड मैंने आदित्य के लिए ली थी ये कैप ये कैप बहुत प्यारी तो है और प्राइस अगर देखा जाए तो प्राइस इसका प्राइस भी ठीक ही था ओके ओके बट एक जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि ये लोग जो ब्रांड का जो लोकल ब्रांड का एक चिटनी लगाते हैं चिट टाइप से कुछ टैग सा लगा देते हैं वो इन्होंने इसी पे लगाया हुआ था तो मतलब आप ऐसे पागल बन जाते हो आपको आपको ये दिमाग में आएगा ही नहीं कि वहां से वो चिट हटाना है क्योंकि आप नई पीस मतलब नया ही पीस वहां से परचेज कर रहे हो राइट तो आपके दिमाग में एक चीज़ नहीं आएगी कि आपको वो चिट हटाना है नीचे कुछ ऐसा होगा बट मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि अगर आपके साथ भी मतलब ऐसा कुछ आपके माइंड में आ रहा है ना तो आप उसको उल्टा करके देख लो क्योंकि सिलाई वगैरह अगर कुछ भी निकला होगा तो आपको पता लग जाएगा अदरवाइज आप फटाफट से ना ऐसे चुपके से ऐसी उसकी चिट हटा के देख लो कि शायद उसके नीचे कुछ गलत मतलब ना हो रखा हो लाइक कुछ सिलाई उधड़ी हो उसकी या कलर उसका फेड हो या कुछ भी हो सकता है यार कपड़े के साथ तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो ये इसके साथ प्रॉब्लम हो गई तो अब ठीक है अब इसको हमने यहाँ पे आने के बाद देखा तो इस वजह से कुछ हो नहीं सकता बट मैं इसके ऊपर रफू कर दूंगी तो ये घर में चल जाएगी क्योंकि धूप वगैरह आ रही है तो जैसे मैं मार्केट वगैरह जाऊँगी सब्जी वगैरह लेने तो उसको मैं ही लगा लूंगी अदरवाइज अलग जाते हैं मैच खेलें तो वो लगा लेंगे क्योंकि ये रफ हो जाएगा ब्लैक कलर से तो ये ठीक हो जाएगा ट्राई ऑन इसका भी मैंने दे दिया है तो आप देख लो एंड इसके साथ साथ मैंने ये ली थी एंड ये टू हंड्रेड की है एंड टोटली वर्थ है क्योंकि ये देखो सबसे पहले तो इसका जो ये क्लोजर है इसको छोटा बड़ा कर सकते हो आप साइज में ये बहुत प्यारा है एंड इसकी डिटेलिंग काफी ज्यादा प्यारी है और ये ना सिंथेटिक मटेरियल है क्योंकि ये डिप्ट ने मुझे स्पेशली कहा था मैंने उनको वीडियो कॉल भी किया था वहां पर तो उन्होंने कहा था सिंथेटिक में कुछ लाना है तो ये उन्होंने छूते ही इसको बोल दिया था कि ये वर्थ है चीज़ मतलब दिख रही है कि आपने अगर दो सौ रुपये इसके दिए हैं ना तो ये आपका मतलब वो अमाउंट आपको वर्थ करता है मतलब ये क्वालिटी आपको वर्थ करती है तो ये मैंने लिया था गाइज शॉप नंबर वन के साइड में स्टॉल लगा हुआ था वहाँ से मैंने लिया था जहाँ से मैंने पर्स लिए थे उसी के साइड वाली स्टॉल से मैंने इसको लिया था एंड उन भैया के पास ना काफ़ी सारी कलेक्शन थी कैप्स की बेल्ट की स्का्फ्स की तो अगर आप जाते हो 123 शॉप के साइड में ही इनका स्टॉल है तो आप विजिट कर सकते हो काफी अच्छा कलेक्शन था इनके पास और राइट right, तो आप आ जाते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे बेस्ट क्लोदिंग uh, आइटम की सबसे बेस्ट जो आइटम है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एंड ये है ये चंदेरी में मैंने सूट वहां से लिए थे एंड इसका शॉप नंबर मैं आपको बता देती हूँ 166 शॉप नंबर था गाइज 900 के सूट्स पर सेल लगी हुई थी 650 650 650 तो मैंने वहां से दो सूट्स लिए थे एंड लुक एट दिस 650 के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा प्यारा पीस है कढ़ाई इतनी फाइन हो रखी है इसके ऊपर काम बहुत अच्छा हो रखा है एंड मटेरियल काफी ज्यादा प्यारा है इसके साथ आपको वही सलवार का कपड़ा भी मिल जाएगा ये रहा इस कपड़े को मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं तो ये आपको इसके साथ मिल जाएगा एंड जो इसका सबसे ज्यादा जो बेस्ट पार्ट लगा मुझे वो मैं आपको दिखाती हूँ वो है इसका दुपट्टा तो आप दुपट्टा देख सकते हो साइड में इस तरीके से इस पे डिटेलिंग है ऐसे डिजाइन से कट हुआ हुआ है ये एंड इसके ऊपर भी थ्रेड वर्क हो रखा है और इसके साइड में यहाँ पर ये गोटा पट्टी दी हुई है तो ओवरऑल देखा जाए ना ये सूट आप फंक्शन में कोई भी जैसे छोटा मोटा फंक्शन है पूजा में हल्दी फंक्शन में आप इसको पहन सकते हो एंड डेफिनेटली मैं भी इसको हल्दी फंक्शन के लिए ही पहनने वाली हूँ ब्रदर की मैरिज में तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा था दुपट्टा एंड उसके बाद तो खैर सूट पर ध्यान बाद में जाता है गाई मुझे पता है हम लोगों का यही है मतलब गर्ल्स का कि अगर दुपट्टा हमें पसंद आ जाता है ना तो हम लोग सूट भी ले लेते हैं क्योंकि सारा जो लुक है ना सारा जो अट्रैक्शन है वो सारा दुपट्टा ही लेता है तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था इस वजह से मैंने ये ले लिया था एंड अगेन दीदी मेरे साथ थी तो फैब्रिक वगैरह को उनको अच्छा मतलब नॉलेज है तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अच्छा है ले ले सेकेंड मैंने अगेन सूट लिया था वहीं से लिया था एंड ये भी सिक्स फिफ्टी का ही है बेसिकली ये सेवन हंड्रेड का मिल रहा था क्योंकि सबके प्राइस अलग अलग थे सेल सिर्फ उस वाले मटेरियल पे लगी हुई थी मतलब उस वाले एक होता है ना उन लोगों ने अलग अलग एरियाज डिवाइड किए हुए थे तो उस वाले एरिया में ये था येलो वाला तो इट वाज 650 का जो सेल प्राइस था एंड ये वाला था 700 का और मेरे पास वाइट कलर में कुछ भी नहीं है मतलब वाइट कलर में मेरे पास कोई भी सूट नहीं है एंड सिस्टर ने ही बोला था कि वाइट कलर तू एक बार लेकर देख वेयर कर बहुत प्यारा लगेगा तेरे ऊपर तो मैंने ये ले लिया था एंड इसका भी दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ एंड इसके साथ भी सलवार का कपड़ा मिला था काफी अच्छी खासी है लेंथ होगी इसकी मुझे नहीं पता मैंने इसको नापा नहीं था तो ठीक है भैया ने कहा था कि जितना एक प्लाजो वो सलवार पैंट के लिए जो कपड़ा चाहिए होता है वो इसमें है एंड अगेन इसका दुपट्टा आप देखो बहुत ही प्यारा दुपट्टा है इसका एंड सारा अट्रैक्शन सारा जो भी एक होता है ना क्या बोलते हैं लाइम लाइट में तो ये दुपट्टा ही है भाई साहब ये दुपट्टा इतना प्यारा है ना इस पर इतना प्यारा सा डिटेलिंग दी हुई है कढ़ाई की हुई है थ्रेड वर्क हो रखा है एंड सेंटर में ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट वाला फैब्रिक लगा हुआ है एंड उसके ऊपर ये स्ट्रैप्स हैं गोल्डन कलर में थ्रेड से हो रखी हैं तो काफी फाइन मटेरियल है काफी फाइन कढ़ाई है तो बहुत प्यारा है एंड इसको ना दुपट्टा मतलब अगर अच्छा होता है ना तो दुपट्टे का एक फायदा यह है कि अगर आप कोई सिंपल सोबर सा कोई सूट भी ले रहे हो ना उसके साथ अगर आप ये दुपट्टा डालो गुड टू गो क्योंकि सारा अट्रैक्शन दुपट्टा ही ले लेता है सारा अट्रैक्शन दुपट्टे का ही होता है क्योंकि हाँ बस होता है तो होता है <laughs> तो ये था सूट सो गाइज या आई थिंक इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है या यही था जो भी मैंने नगर से लिया था सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प हो गई होगी शॉप नंबर वगैरह मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मैंशन भी कर दूंगी और uh, अगर आपको पसंद आया ये वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड गाइज प्यार देते रहिए ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है And yeah, till then, take care. Bye bye.